दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जान भगवान के दरबार में निकले। कई लोग इसके लिए जप तप भी करते हैं, पर बिरले ही लोगों को भगवान के मंदिर के आसपास प्राण त्यागने का मौका मिलता है। एमपी के दमोह से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने भगवान के दरबार में माथा टेका और प्राण छोड़ दिए। मामला 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त दमोह जिले के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर का है। यहां विराजमान स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। हाल ही में कुछ दर्शनार्थी नरसिंहपुर से बांदकपुर एक बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए आए थे। हंसी खुशी दर्शनार्थियों ने जागेश्वर नाथ महादेव की पूजा की और बच्चे का मुंडन कराया। सब कुछ संपन्न होने के बाद सारे यात्री एक बार फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान संध्या आरती की तैयारी चल रही थी और गर्भगृह में प्रवेश निषेध था, लिहाजा सभी ने गर्भगृह की चौखट में माथा टेका और वापस जाने लगे। लेकिन इसी समूह में शामिल 60 वर्षीय मुन्नीबाई कुशवाहा ने माथा टेका तो फिर वापस नहीं उठी। कुछ देर तक लोग सोचते रहे कि शायद महिला ध्यान लगाए माथा टेक रही है, लेकिन काफी देर तक जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो वहां मौजूद महिलाओं ने उसे हिलाया डुलाया। लोगों ने महिला को उठाकर मंदिर के बाहर किया और स्थानीय डॉक्टर को बुलाया, जिसने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पहली नजर में महिला की मौत सामान्य लग रही है। परिजनों ने भी कोई शक जाहिर नहीं किया है, लिहाजा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां पर दर्शन करती हुई एक लगभग 59-60 वर्ष की महिला, जो संभवतः जिसकी जानकारी आई है कि वो नरसिंहपुर की निवासी थी, दर्शन करते वक्त जो है वो अचेत हो गई थी और वहां से उनके परिवारजन जो है तुरंत उन्हें जो है संबंधित आसपास के अस्पताल ले गए थे। लोकल चौकी पर इस प्रकार की कोई भी जानकारी साझा नहीं हुई है, फिर भी अभी जानकारी जो सामने आई है तो इसके आगे जो है संबंधित परिवारजनों से बातचीत की गई है। उन्होंने जो है किसी प्रकार का शक संदेह होना नहीं बताया है और महिला के पुत्र ने जो है इस प्रकार की जानकारी दी है कि हमें अभी किसी प्रकार का कोई शक संदेह जो है अपनी माता की उस पर नहीं है। मृतका के परिजनों के मुताबिक महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और पूरे दिन बेहद खुश होकर धार्मिक कार्यों में लगी रही। बताया जा रहा है कि मृतका की इच्छा पर ही सारे लोग दोबारा शिवलिंग के दर्शन करने आए थे। ये सारा वाक्या मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब इस महिला की इस तरह से भगवान के दरबार में हुई मौत के चर्चे हर जगह हो रही हैं।